शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इकोनॉमी मेयर्स के लिए उप समिति गठित करने का निर्णय लिया। परिवहन मंत्री जीएस पाली और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री इसके सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने 9.9 मेगावाट की चिरचेन 2 पनविद्युत परियोजना को इस शर्त पर पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है कि इसके लिए डेवलपर को संशोधित क्षमता समझौते को कार्यान्वित करने तथा नदी के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के आवंटित और प्रस्तावित परियोजनाओं से उचित दूरी बनाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त सरकार प्रदेश की जल विद्युत नीति में शामिल प्रावधानों से बाहर परियोजना दायरे में परियोजना को पुनर्स्थापित करने से होने वाली समय की देरी और लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकार प्रदेश की जल विद्युत नीति में शामिल प्रावधानों से बाहर परियोजना दायरे में परियोजना को पुनर्स्थापित करने से होने वाली समय की देरी और लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगी। बैठक में उन मंदिरों के रखरखाव और दैनिक पूजा के लिए रिवॉल्विंग फंड से धनराशि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया, जिनकी भूमि या तो प्रदेश सरकार के अधिकार में है अथवा ऑक्यूपेंसी नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स के अधीन है। मुख्यमंत्री ने इस आशय की घोषणा वर्ष 2014-15 के अपने बजट अभिभाषण में की थी, ताकि ऐसे मंदिरों का रखरखाव सुनिश्चित हो सके और यहाँ नियमित पूजा हो। बैठक में सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर स्थित माता बाला सुंदरी मंदिर न्यास के लिए मंदिर अधिकारी का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश अपराध अन्वेषण प्रयोगशाला जुनगा में वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पड़े एक पद को भरने की भी स्वीकृति दी गई।